पति पवन सोनी है, श्री गंगानगर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी है आपके श्री शिवाय में। मेरे बाबा ने मुझे इतना दे दिया गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। एक लोटा जल सारी समस्या का है। मेरे बच्चों का रिश्ता अच्छी जगह हो गया। जो जो मैंने बाबा से मांगा मेरे बाबा ने सब कुछ दिया। एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर एक राधा नाम की लड़की कार्य करती है, उसका 8 साल का बेटा है जो बोल नहीं सकता। लोग उसको गूंगा कहते हैं, उसकी वाणी नहीं है। 8 साल का बच्चा है गुरुदेव, मैं गंगानगर से आई हूँ। 8 साल का बेटा हो गया, वो हमेशा मेरे पास आकर एक ही बात कहती है, मेरा बेटा बोलता नहीं, मेरा बेटा बोलता नहीं। अब करें, आज तक आपकी कथा नहीं सुनी थी, पर जिस दिन आपकी कथा सुनी मैंने उससे एक ही शब्द कहा, तो तेरे बेटे को शंकर जी में चढ़ाकर जल पिलाया कर और बेलपत्र पिलाया कर। वो कहती है मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, जगह जगह जाती हूँ, गंदी रहती हूँ शरीर से, कैसे मैं शंकर के मंदिर चले जाऊँ। भाभी आप शंकर जी पे चढ़ाऊंगा जल मुझे दे दूंगी क्या? मैं अपने बच्चे को डबरे में ले जाकर पिला दिया करूंगी। मैं उसको शिव जी के मंदिर से लाकर जल देने लगी। उसको विश्वास नहीं था, क्या शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या किसी की वाणी आ सकती है, क्या उसकी आवाज आ सकती है? जिसकी उम्र 8 साल की होगी वो बोल सकेगा? जल ले जाकर मैंने उसको देना चालू करा। आज मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए आई हूँ। वो 8 साल का बेटा जो कभी बोल नहीं पाता था, उसकी वाणी बाबा ने प्रणाम कर दी। मैं बाबा को नमन कर रहा हूँ। बाबा से प्रार्थना करती हूँ हमारे गंगानगर राजस्थान में भी जल्दी से शिव पुराण हो, गोपाल जी छोड़ मेरे को। ओ तेरे दरबार की बेबी देवी जिला करनाल गांव बड़ी बीरबल तहसील इंद्री की रहने वाली हूँ। बहुत बड़ा एड्रेस है। जिन्होंने सफेद मोती अभिन वाला पत्र लिखा था, मैं बेबी देवी जिला करनाल गांव बड़ी बीरबल तहसील इंद्री की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मोबाइल भी रख ली है। अच्छा उधर हो श्री शिवाय नमस्तु ध्यान, हाथ दिला दो एक बार, शंभु शंभु पीछे वाले हाथ दिलाओ, सबको मोदी अभी थोड़ी ना है। हाँ ठीक है दीदी, श्री शिवाय नमस्तु ध्यान, ठीक हो अच्छी हो? हाँ सर, एक बार हाथ दिला दो, साधु श्री शिवाय। मोतियाबंद काली जी जी आ जाओ एक बार, मैं बेलपत्र ले जाना आ जाओ। और शंभू